और गाइस यहाँ से आप ये देख सकते हैं जो ये वाला बटन है, इससे आपके यहाँ से कुछ कंट्रोल हो जाती है। सो गाइस यार इससे बात कर रहे हैं गाइस, इसकी जो हेडलाइट का थ्रो है यार वो सच में ही बहुत बेकार है। सो व्हाट्सअप गाइस, यार कैसे हो आप लोग? तो बहुत टाइम बाद यार आज हम फिर से ब्लॉग ला रहे हैं, तो ब्लॉग भी नहीं कह सकते इसको, आप थोड़ा ये कह सकते हो हम अपनी बाइक फीचर कर रहे हैं इसमें अपनी। इसका हम आपको ओनरशिप रिव्यू बताने वाले आज, और इसके क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं और पूरे इसका थोड़ा बताते हैं आपको आज, पूरा क्विक रिव्यू कह सकते हो आप। तो करते हैं इसी के साथ शुरू। ये है अपनी यार मेटियोर 350 जो कि है 2023 का वेरिएंट, और ये हमने परचेज करी थी यार मई के मंथ में, और ये है मेटियोर 350 का फायरबॉल वेरिएंट। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं, ये जो हमारा वाला कलर है ये आता है ग्लॉसी ब्लैक, जो कि आपको ऐसे नहीं मिलता, अगर आप स्पेशल ऑर्डर पे मंगवाते हो तो ये आपको मिल जाएगा। तो इसमें मिल जाती है आपको यार हेलोजन हेडलाइट मिलती है पूरी, और कुछ ऐसे इसका ग्लास है, ये इसमें आपको टिंटेड स्क्रीन नहीं मिलती है, ये एक्सेसरी का पार्ट है। और इधर दिखाना, और ये आ जाता है गाइज इसका मीटर, कुछ ऐसा है डिजिटल मीटर मिल जाता है आपको, और देखो एनालॉग के साथ है भाई। और ये है अभी हमारी चली है 2285 किलोमीटर 2285। और गाइज यहाँ से आप ये देख सकते हैं जो ये वाला बटन है, इससे आपके यहाँ से मोड्स कंट्रोल हो जाते हैं, ये ट्रिप ए का, ये ट्रिप बी का, और ये ओडो दिखा देगा, और बाकी आपने टाइम वगैरह रीसेट करना हो इसका, या ये ट्रिप रीसेट करनी हो तो इसको दबा के रखते हैं ऐसे 3 सेकंड तक, तो ऐसा कुछ है इसका कंसोल। और बाकी आपने देखा होगा इसके अपर वेरिएंट में यहाँ पे आपको एक ट्रिप मीटर भी मिल जाता है, वो भी इसमें यार वो उसका एक्सेसरी का पार्ट है, सॉरी ट्रिप नहीं, वो नेविगेशन वाला मीटर मिल जाएगा आपको, जो आपको नेविगेशन वगैरह दिखा देगा। बट मेरे को इतना कुछ लगा नहीं वैल्यूएबल, तो मैंने अभी लगवाया भी नहीं है, फ्यूचर देखेंगे लगवाना होगा तो। तो गाइस इसकी टेल लाइट की बात कर लेते हैं, तो कुछ ऐसी आपको टेल लाइट मिलती है, एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ, चेकआउट करो इसमें ऐसे कुछ आपको राउंड में एलईडी में डीआरएल मिल जाएगी बाकी, और ऐसे ब्रेक लगा कर दिखा देते हैं ठीक है। और जो आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं यार ये भी हेलोजन होते हैं, एलईडी वाले नहीं है। और क्या ये अपनी नंबर प्लेट आ गई। सो गाइस यार इसके बात कर लेते हैं राइडिंग पोस्चर की भी, तो अभी इस पे बैठ के दिखाते हैं हम आपको। तो देखो भाई, भाई जो थोड़े पतले लोग हैं उनका पता नहीं क्या होगा, क्योंकि भारी है ये थोड़ी, क्योंकि इसका कर्व वेट है अराउंड 191 kg, बाकी एक्सेसरीज के साथ इसका वेट आ ही जाता है कुछ ना कुछ। और तो बात कर लेते हैं राइडिंग पोस्चर की, तो काफ़ी कंफर्टेबल है, हाथ आपके ऊपर को रहते हैं, लाइक क्रूजर तो है ये सबको पता ही है, और इसमें आपको फुट रेस्ट वगैरह दिखाई है। ये वाले दिखा दो, इधर आओ जरा कैमरा मैन, ये दिखा दो आप, ये हमने एक्सेसरी का पार्ट लगवाया गाइस, वरना इसमें ये वाले मिलते हैं ऐसे वाले स्टॉक ठीक है, तो ये भी एक्सेसरी का पार्ट है, मैं तो सजेस्ट करूँगा आपको ये लगवा लेना, अच्छे रहते हैं। और कुछ ऐसा इसका पोस्चर है, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है गाइस। और गाइस बात कर लेते हैं इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो यार इसकी है 15 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका, और बढ़िया इसकी कंपनी माइलेज क्लेम करती है अराउंड 41 to 42, बट आराम से आपको ये ट्रैफिक वगैरह में सब कुछ करके भी 35 to 38 कहीं भी दे देती है भाई, हमने खुद निकाल के देखी है। बाकी एक बार हम इसकी वीडियो भी ला देंगे आपको, टेस्ट कर देंगे इसकी, माइलेज टेस्ट ज़रूर करेंगे, बट आराम से आपको एवरेज वाइज भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। जो फायरबॉल वेरिएंट होता है अपना, ये वैसे इसमें आपको ये वाले ही मिलते हैं ग्रिप्स ऐसी, बाकी इसमें आपको वो नहीं मिलता है बैकरेस्ट ठीक है, तो वो भी एक्सेसरी का पार्ट होता है इसमें, मतलब एक तरह से आप इसको कह भी सकते हो ये बेस मॉडल टाइप है, बट अपने लिए ये भी अच्छी है, सबको अपने हिसाब से मॉडिफाई करानी होती है, और हमने वो एक्सेसरी का पार्ट ले रखा है आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, बट आजकल हमने थोड़ा लुक के उसमें, लुक वैसे इसकी ज़्यादा अच्छी ऐसी आती है, आप एक बार चेक करो इसकी लुक ऐसी अच्छी आती है, क्रूजर मतलब अच्छी लगती है, बाकी आप लगवा सकते हो फैमिली के हिसाब से, अगर आपने फैमिली को बिठाते रहना है, मैं तो कल्ला ही चलता हूँ ज़्यादा, तो मैंने हटा दिया। और गाइस कर लेते हैं बात इसके इंजन की, तो यार ये है 349 cc का आपका एयर ऑयल कूल्ड इंजन, जो कि 4 स्ट्रोक है और एक ही सिलेंडर वाला आता है, लेकिन जो कि जनरेट करेगा आपका 20.4 PS की पावर एट द रेट 6100 RPM, और जो कि आपका जनरेट करता है यार मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 27 Nm एट द रेट 4000 RPM। और बात कर लेते हैं इसकी ब्रेक्स की यार, तो ब्रेक्स लगाओ इसमें आती है आपको डुअल डिस्क मिल जाएगी फ्रंट में भी और बैक में भी, बाकी ब्रेकिंग में भी मैं बोलूँगा बाइक बहुत अच्छी है यार गाइस, ब्रेकिंग भी मेरे को इसकी बढ़िया लगी है। और यार गाइस बाइक थोड़ी गंदी है यार, आज हमने थोड़ा रिव्यू करना था बट संडे था तो धुलवाने का टाइम नहीं लगा, तो उसके लिए सॉरी, बट इसका जो एग्जॉस्ट है अभी आप चेक करोगे ये स्टॉक है, इसकी मैं आपको आवाज़ भी सुना देता हूँ,
चेक करना। बाकी हमारे चैनल पे जो मेन इसका रहता है रेड रूस्टर वाली बात, तो गाइस वो हम आपको बता देते हैं। बात कर लेते हैं रेड रूस्टर की, तो हम जरूर यार ऐसा कुछ नहीं है, देखो वो इलीगल जरूर है, चलान भी होगा उसका, बट हम अपने रिस्क पे मंगवा भी रहे हैं और हमने सून उसको ऑर्डर कर दिया, इस वीक वो मैक्सिमम हमारे पास पहुंच जाएगा, तो वो भी लगवा के हम आपको इसमें दिखाएंगे, आपको रिव्यू चेकआउट कराएंगे और क्या रिएक्शन रहता है सबका वो भी दिखाएंगे। किसी को परेशान नहीं करेंगे उस एग्जॉस्ट से, ये वाली बात भी रहती है यार, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, फिर वो तो पुलिस वालों से खुद पंगा लेने वाली बात हो गई ना यार। मतलब अपने शौक के लिए करेंगे, बट बाइक वगैरह हम मैक्सिमम रात को तो निकालते भी नहीं है, अपने पास सेकंड उससे हमारे पास टॉर्क है अगर कुछ काम हो तो, ऐसा है कि शौक शौक की कहीं अपना बाहर हाईवे पे चले गए, एग्जॉस्ट वगैरह सुनेंगे इसका, बढ़िया वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो आपको स्टॉक एग्जॉस्ट एक बार इसकी साउंड सुना देते हैं, तो चेक करना। सो चेक करना गाइस, एग्जॉस्ट के बाद से एग्जॉस्ट के बाद गाइस एग्जॉस्ट अगर मैं इसको बताऊं आपको, अगर आप एक नॉर्मल डिसेंट उससे भी देखते हो ठीक है, बढ़िया है, कोई वो वाली बात नहीं है, बाकी रॉयल एनफील्ड का थंब तो रॉयल एनफील्ड का ही है, वो तो पता ही है सबको। बाकी ये है कि एग्जॉस्ट तो अपना अपना शौक है सबका, अब हम भी करेंगे पूरा, बेशक उसको उतार के रख लेंगे बाद में, बट शौक तो पूरा करेंगे। और बात कर लेते हैं इसके ओनरशिप में, तो अभी तक हमारे को ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं है यार, कोई ना मेजर आई है ना छोटी भी नहीं आई है, हम ये बोलेंगे अभी तक बाइक हमारे पास एज न्यू पड़ी है, चल रही है बढ़िया, अपना काम कर रही है। तो खर्चे की बात करें तो गाइज नॉर्मल जो सर्विस वगैरह इसकी आ रही है ठीक है, हमारे को ना कम है ना ज़्यादा है, ठीक ठीक है, आराम से मेरे को लगता है बंदा आराम से अफोर्ड कर सकता है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं यार इसके पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स की भी। सो पहला पॉजिटिव इसका ये है यार, इसकी बैठने की हाइट वगैरह और बैठने का पोस्चर जो कि आपको मिलेगा बहुत ही कम्फर्टेबल इस सेगमेंट की बाइक में, ठीक है। तो ट्रैफिक में आपको इतनी कुछ खास दिक्कत नहीं होगी वैसे, क्योंकि मैं तो मेरा डेली के उससे मैं चला ही लेता हूँ इसको, फिर भी कुछ खास तो कोई दिक्कत नहीं आती। और ये अपने कैमरामैन साहब, इनको दिखाना भी पड़ता है यार। तो गाइस सेकंड हम इसकी पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, इसकी वाइब्रेशन की। तो बाइक में भाई लिटरली जब हम इसको, मैं बोलूँगा जब हम 90 या उससे ऊपर की ट्राई करोगे ना भगाने की, तो थोड़ी बहुत फील होती है, वो भी यार उतना चलता है, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि आपको ऐसे फील होगा कि यार बाइक हाथ से जा रही है कुछ ऐसा, तो वैसा फील नहीं होगा। बाकी वाइब्रेशन वगैरह बहुत कम है भाई बाइक में, तो रॉयल एनफील्ड ने अच्छा काम करा हुआ है इस बार बाइक पे। और गाइस थर्ड पॉजिटिव हम उस बात पे भी कर लेते हैं कि इसकी माइलेज पे, जो कि हम अभी बता के ही हटे आपको रिव्यू में भी, कि इसकी जो माइलेज है वो यार काफ़ी अच्छी है, मतलब इस बाइक के हिसाब से काफ़ी अच्छी माइलेज है, इतनी भारी बाइक है तो 38 के अराउंड ये मेरे को आराम से दे रही है। माइलेज टेस्ट भी हम इसका दिखाएंगे, बट माइलेज के हिसाब से भी गाइस बहुत ही अच्छी है। और गाइस चौथे पॉजिटिव की बात कर लेते हैं यार इसके पावर की। तो जैसे हमारा घर तो नीचे है धोबी घाट में, तो काफ़ी चढ़ाई वगैरह है उस साइड, रोकनी पड़ जाती है बाइक दोबारा पिकअप वगैरह, तो दो बंदों के साथ भी कैसे भी कर लो आप, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पावर में, मतलब आपको कम नहीं फील होगा बाइक में, काफ़ी अच्छी पावर है। जिसमें एक चीज़ और बतानी थी यार, ये देखो यहाँ जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ से देखो ये मिल जाता है भाई आपको चार्जिंग पोर्ट USB वाला, तो ये थोड़ा सा रह गया था दिखाने को, बट मैंने कहा दिखाई देता हूँ, बढ़िया रहता है, कहीं बाद में कमेंट आए तेरे को अपनी बाइक का ही नहीं पता। सो गाइस बात कर लेते हैं इसके यार और पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिखेंगे आपको यार बाइक में, ऐसी बात नहीं है, नेगेटिव्स की भी करेंगे बात, ऐसे मत सोचना कि हमारे पास है तो हम पॉजिटिव ही बताएंगे, बट ऐसा चलाने वाइज बाइक में हमारे को कोई दिक्कत नहीं लगी है। अब बात कर लेते हैं यार इसके नेगेटिव्स की, तो पहला मैं आपको मेन बताना चाहूँगा जो मेरे को चलाते हुए भी फील हो चुका है, इसकी हेडलाइट का भाई, कि जो हेडलाइट का थ्रो है यार वो सच में ही बहुत बेकार है, जिनको पता होगा उनको पता होगा, अपग्रेड करनी ही पड़ती है, तो मैंने अभी सोचा इसमें यहाँ फॉगलैम वगैरह भी देखेंगे जो अच्छे वाले तो लगवाएंगे, और हेडलाइट का भाई इशू है ही है इसमें, मेरे को तो लगा है, बाकी आप जिनके पास होगी मिट्टी और वो कमेंट करके बताना भाई। तो एक हो गया इसका ये नेगेटिव भाई, एक मतलब ये हमारे हिसाब से नेगेटिव तो नहीं है, बट ये हो सकता है उनके हिसाब से जो इसको वेट के मामले में कंसिडर कर रहे हो, तो कईयों के लिए भारी भी हो सकती है, उस वे में भी वो इसको नेगेटिव थोड़े ले सकते हैं, बट हमारे लिए तो ठीक है गाइस। गाइस एक नेगेटिव और यार, जो मतलब लगता होगा मैक्सिमम यूजर्स को, मेरे हिसाब से भी लगता होगा कि रॉयल एनफील्ड को यार इसमें एक एक गियर और दे देना चाहिए था, क्योंकि जब ये फिफ्थ पे होती है उसके बाद लगता ही लगता है कि भाई एक नीड और होती है गियर की इसमें ना, क्योंकि फिर काफ़ी हाई उस पर चली रहती है ये RPM पे,
तो यही कुछ बात है, इसमें सिक्स्थ गियर होता तो और मजा ही आ जाता भाई। गाइस इसका यार एक बात और है जो इसमें रेगुलर ये प्राइस हाइक हो रही है इसके इनके वेरिएंट्स में मिटियोर के, तो उस वजह से भी ये मैं बोल सकता हूँ किसी को लगेगी कि नेगेटिव है एक बाइक का, कि जो प्राइस पॉइंट हो सकता है वो एक नेगेटिव भी बन सकता है बाइक का, तो इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। सो गाइस हमारे हिसाब से तो यार हमको यही लगे इसके कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, बाकी अगर आपको कुछ लगते हो तो ज़रूर यार कमेंट करो बताओ। और इसकी मैं एटलास्ट बताना चाहूँगा, हमारे को जो प्राइस पॉइंट इसकी जो पड़ी थी उस टाइम पे भी तो कुछ 2.48 के अराउंड, मतलब विद दिस कलर के एक्स्ट्रा जो ये 5000 लगते हैं इस कलर के, वो हमारे को 2.48 की एक्स शोरूम पड़ी थी। उसके अलावा इसकी एक्सेसरीज वगैरह अराउंड 14000 थी गाइस इसकी ना, वो मैं आपको अलग से एक बार बता दूंगा एक्सेसरीज मैंने क्या क्या लगवाई थी, और तो ऐसा कुछ मेरे को इतनी पड़ गई थी। और मैंने इस पे करवा रखा है लोन, वो भी मैं बता देता हूँ, तो उसमें आपको इंटरेस्ट वगैरह के साथ मतलब आप थोड़ा अंदाज़ा लगा लो, आपको ये अराउंड 2.70 कुछ की पड़ जाती है। सो गाइज यही था यार हमारा कुछ आज का रिव्यू और कुछ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स, बाकी होप करेंगे आपको अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार और हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आप लोगों के कमेंट भी आते रहते हैं कि थोड़ा वीडियो रेगुलर वगैरह रखो, आप लोग सपोर्ट दिखाओ, हम रखेंगे भाई रेगुलर, हम पूरी ट्राई करेंगे। अगर आपको इस पे कंटेंट चाहिए तो आपको इसी पे मिलेगा, कुछ और कंटेंट चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो कोशिश करेंगे पूरी पूरी आपको रेगुलर वीडियोज ला के। बाकी तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल।